अब मैं पब्लिकली किस क्यों किया? दीपिका दीपिका दीपिका, तुम कोकिन जैसी हो, तुम्हें देखता हूं तो हर बार मजा आता है। हमारे रिश्तों के बारे में किसी को पता चल गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। किक मैं दे रही हूं, तो क्या तुम इतना रिस्क भी नहीं ले सकते? मेरे बाप ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। माँ को लड़की पसंद आई और मुझे उसकी दौलत। मिनिस्टर का लड़का हूँ तो कुछ फायदा तो मिलेगा ही। अगर ये शादी हो गई तो पॉलिटिक्स में एंट्री मेरी आसान हो जाएगी। तो बहुत बड़ी स्कीम प्लान की है। वो वर्कआउट होने के लिए तुम्हें मुझे कॉपरेट करना होगा। वो क्या है? आज से हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे। जुबली हिल्स में तुम्हारे लिए एक डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, ये लो। वाओ! वो फ्लैट तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना? थैंक यू। थैंक यू मैडम, चलते हैं मैडम। मैं चोर होता तो अलमारी लेकर जाता, अलमारी से बाहर नहीं आता, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। कौन सा शहर है ये? ओह सॉरी, चोर! ए! मैं बोल रहा हूं ना, मैं चोर नहीं हूं। हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत। अब बताओ, हैदराबाद? हैदराबाद? हाँ, तुम कहां से इस अलमारी में आए? विजयवाड़ा। क्यों, तुम्हें बस का टिकट नहीं मिला? तुम इतनी देर तक अलमारी में कैसे रह पाए? तुमने जो पूछा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम अलमारी में रहते हैं तो ब्रीदिंग नाक से नहीं करनी चाहिए, ऑक्सीजन 30% ही मिलता है। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग मुंह से करेंगे तो 60% ऑक्सीजन मिलता है। अगर उससे भी ज्यादा समय अलमारी में रहना है तो ऐसे स्ट्रॉ बनाकर की होल में रखकर ब्रीदिंग करोगी ना तो कितनी भी देर तक रह सकती हो। तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए हो या अलमारी में? तुम्हारे इस जोक पर मैं हंसू क्या? एनीवेज, तुम चिल्लाई नहीं, इसके लिए थैंक्स। हेलो मिस्टर, वो नहीं खुलेगा। तुम कौन हो, क्या हो, बताओ तो ही बाहर जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ए, बताया ना, चोर नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया, लेकिन तुम कौन हो, मेरी इस अलमारी में कैसे आए, मुझे पता चलना चाहिए ना। फ्रिज में ड्रिंक रखा है क्या? क्यों,
तुम्हें भूख ज्यादा लगी है, मुझे प्यास ज्यादा लगी है। मेरी कहानी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मुझे एनर्जी चाहिए। बेसिकली मैं डोर क्रॉस करूंगा तो सिक्योरिटी पकड़ेगा, बिल्डिंग का गेट क्रॉस करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, यही ना? करेक्ट। ठीक है। मेरा नाम है संजू। मैं और मेरे तीन बेस्ट फ्रेंड्स राघव, केशव और अलमारी। ये राघव और केशव की दोस्ती तो रेगुलर है, लेकिन ये अलमारी के साथ जो मेरी दोस्ती है ना, ये जरा स्पेशल है। अलमारी दोस्त है? या? उसके बारे में पता करने के लिए संजू के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे एज के सभी लड़के क्रिकेट और फुटबॉल जैसे रेगुलर खेल खेलते थे, लेकिन मैं बड़े अजूबे खेल खेलता था। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई सोया रहता था उसके बाजू में पटाखे फोड़ देना, गाड़ी के टायरों की हवा निकालना, माँ के बनाए खाने में प्लास्टिक की चिपकली डालकर किसी के प्लेट में आ जाती तो वो देखकर बहुत मजा आता था। इसलिए मेरी इमेज मिस्टर इंडिया के मुगैम्बो जैसी बन गई थी। एक दिन क्या हुआ पता है? संजू, संजू क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ संजू? अगरबत्ती स्टैंड निकल गया बाबा। अगरबत्ती स्टैंड कैसे निकल गया तू? दिखा मुझे। क्या उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए ना, जल्दी जाइए। अरे बाहर निकालो। ये कोई बाबा है जो ऐसी चीजों को बाहर निकाल देगा? चुप कर। क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर, इसने अभी अभी अगरबत्ती स्टैंड निकल लिया। इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, दूसरा खरीद दो। अरे इसके गले में फंस गया, देखिए। मैं चेक करता हूँ, रुकिए। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर है अंदर, जरा गौर से देखिए डॉक्टर। अरे डैडी, क्या हुआ? अपने घर में अगरबत्ती स्टैंड तो केला ही है ना, वो गटक कर निकल लिया, गले में अटक गया पापा। तुम्हें तो भागो। अरे संजू, कैसा बच्चा है आपका, परेशान करके रखा है। कहाँ तक भागेगा तू, बच के कहाँ जाएगा? मैं बताता तुझे, इधर आ तू, इधर आ। पलंग के नीचे छुपूं या फिर अलमारी में? कहाँ छुपूं? आइडिया। आ गया। छोड़ूंगा नहीं उसे। ये अलमारी सोना और पैसे के अलावा तकलीफ में मुझे भी सहारा देती थी। उस दिन मैं काफी देर तक अलमारी में रहा और इस तरह इंतजार करते करते मैंने की होल से बाहर देखा तो जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी चीज देख ली। मेरे डैडी रो रहे थे। हमेशा मुझे रुलाने वाले मेरे डैड, मैं नहीं दिखाई दिया इसलिए वो रो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में एक किक फील हुआ और उस दिन से अलमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तब से मेरे डैड जब भी मुझे मारने आते तो मैं अलमारी में छिप जाता था। अलमारी की स्टोरी बहुत अच्छी है। उसके बाद उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ता था। अपने आप को बेहद स्ट्रिक्ट समझने वाला एक ऑफिसर हमारी क्लास में आया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। इसे नहीं बुलाना चाहिए था। यू कम हियर। अरे बाप रे। ये एक पक्षी का पैर है, इसके पैर देखकर इसका नाम बताओ। मुझे नहीं पता। नहीं पता, अपना नाम बताओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरा पैर देखकर मेरा नाम बता दो। hey, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ है तू? hey, बाहर निकल। पकड़ लिया। दरवाजा खुला और मेरे डैडी ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद भी अलमारी का और मेरा रिश्ता तो बड़ा स्ट्रांग था। खाना है, पढ़ना है या सोना है, अलमारी मेरे लिए कंफर्टेबल प्लेस हो गई थी। और जब भी मैं अलमारी से बाहर देखता था तो दुनिया बड़ी अलग दिखाई देती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में जब मेरी उम्र बढ़ गई तो मेरे पापा की टेंशन भी बढ़ गई। मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ने लग गए और मेरे बाप के सर के बाल झड़ने लग गए। ऐसे में समय के साथ साथ हम दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लग गए। क्या है ये? क्या नॉनसेंस है ये? अनीता। हाँ? क्या है जी? हाँ? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों, क्या हुआ? वैसे संजू ने कितना लाउड म्यूजिक प्ले कर रखा, बुलाओ उसे। संजू, सवेरे सवेरे उठते ही उसका म्यूजिक शुरू हो जाता है, पागल हो रही हूँ मैं। संजू, ए संजू, 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 संजू। हाय मम्मी। संजू। ओ मम्मी, ये सब क्या है? पंच अच्छा लगा ना? एमबीए किए 2 साल हो गए तुझे, जरा सी मेहनत करने की अक्ल नहीं है तुझमें। मेहनत करने से क्या होगा डैड? मेहनत करने से ही मेरे जैसे नंबर वन बनेगा। मिस्टर सूर्य नारायण, शेर पता है ना? शेर, शेर पता है, पता है। वो 2 दिन सोकर आधा घंटा ही शिकार करता है और फिर से सो जाता तो है। फिर आपको गधा पता है ना? गधा, गधा। हाँ पता है। वो 24 घंटे गधे जैसी मेहनत करता है। तो फिर? फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से गधे को जंगल का राजा बनना चाहिए था, क्या कहते हो? अरे बाप रे, शाबाश शाबाश, कहावत बहुत अच्छी बताई ना। हाँ हाँ बताई ना जी।
तू मुंह बंद रख। कल से मेरे साथ आके ऑफिस में अपना बिजनेस देख सकता है। ऐसे ही बुलाते हैं फिर खुद ही करते हैं। ऑफिस देखने बुलाता हूँ, पीए को देखने के लिए नहीं। संजू माँ, तुम्हारा संजू ऐसा करेगा क्या? पीए को सरदर्द था इसलिए बस दो बातें कर ली थी। उसकी तबीयत खराब थी तो उसे हाथ लगाकर टेम्परेचर देख लिया था तो तुम्हारे आदमी का टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा हुआ उसका बदन दर्द नहीं हुआ, वरना वहाँ मसाज शुरू कर देता। ऐड के और मेरी सोच कभी नहीं मिलने वाली। अगर मेरा टैलेंट देखना है तो इन्हें कहो कि रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाए, उसके बाद ही मैं बिजनेस हैंडल करूंगा। मैं अलमारी में जा रहा हूँ मेडिटेशन करने। अलमारी में बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वर्क में डेडिकेशन चाहिए। ओ डैडी फिर से काम कर लिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलिए इस खुशी के अवसर पर हम दोनों की सेल्फी। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तू सेल्फी लेके साइलेंट होके यहाँ से चला जा रहा है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कुत्ते की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखा तुमने, मुझे कुत्ता बोल रही है। रुक जा तू। बाय बाय बाय। अगर फिर से गलती हुई ना तो गर्दन पकड़ कर घर से बाहर कर दूंगा। कॉफी तुझे देखा, समझ नहीं है। उसके बेटे ने जरा सी गलती की तो उसे घर से बाहर कर दिया। तुमने 10,000 और उसने 20,000 से ज्यादा गलतियाँ की, बताओ क्या करना चाहिए? मैंने क्या गलती की है? कॉफी में शुगर नहीं डाली, ये गलती नहीं है क्या? जान बूझ के नहीं डाली। हाँ वैसे तो संजू के नाम से फैक्ट्री बनाने के लिए आप भूल ही गए ना। मैं नहीं भूला, मेरे फ्रेंड डॉक्टर सचिन ने कहा। डॉक्टर और रियल एस्टेट का क्या संबंध है? डॉक्टर बनना उसकी माँ की इच्छा थी और पैसे कमाना उसके बाप की इच्छा थी। अब वो दोनों बन गया, उसमें उसकी क्या गलती? आखिर उसने क्या बोला? उसने मुझे एक अच्छा प्लेस दिखाने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं। ऐसा है तो संजू को भेज दीजिए। वो काम खराब करने के सिवा कुछ और कर सकता है क्या? आप तो हमेशा उसे कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। अब संजू संजू देखिए इसकी एंट्री करने की स्टाइल, पहले बॉल बाद में बालक। व्हाट मम्मी? सुन तो, तू अर्जेंटली जाकर डॉक्टर सचिन से मिलकर आ। क्यों? मेरी हेल्थ तो ठीक है। तेरी हेल्थ तो ठीक है बाबू, लेकिन सामने वाले को हेडेक और हार्ट अटैक की डिटेल्स चाहिए। अब तू जाएगा तभी तो डिटेल्स पता लगेंगी। तुम्हारे पति को ज्यादा हो गई है, जरा संभाल के रखना ही नहीं। वो मुझसे पंगा ले रहा, उसे ये पता नहीं कि मैं उसका बाप हूँ। देखा चीटिंग करके मुझे धक्का देके गया वो। ठीक है आप जाइए। गुड मॉर्निंग कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल। शिवा तो एक्सक्यूज मी डॉक्टर सचिन है क्या? हाँ शिवा कहो ना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सचिन है क्या? ऐसे नहीं सुनेंगे। हाँ ठीक है। कितनी बदसूरत हो। क्या कहा? डॉक्टर सचिन है क्या? थर्ड फ्लोर। थैंक यू। आई एम नॉट अ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, आई एम डॉक्टर सचिन तेंदुलकर। सॉरी सॉरी, जोर से नहीं लगी ना डॉक्टर। डॉक्टर आपको लगी? तुम सूर्य नारायण के बेटे हो ना बाबू। वाह आपने कैसे पहचान लिया? सूंघ के पता लगा लिया। तुम्हारे पिताजी का बीपी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता, तुम्हें देखकर समझ में आया कि क्यों कंट्रोल नहीं होता। अब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। 10 मिनट वेट करो, मैं राउंड कम्प्लीट करके आता हूँ। ऐसा है क्या? तुम्हारे मतलब का राउंड नहीं है, वेट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे बिना बताए 5 नंबर के पेशेंट को क्यों डिस्चार्ज किया? वो पुलिस था सर। तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? वो छुट्टी पे थे। हेलो डॉक्टर, आई एम रितिका फ्रॉम रियल एस्टेट्स। फैक्ट्री बनाने के लिए आपको प्लेसेस देखनी थी ना, ब्रोशर्स लेकर आई हूँ। करेक्ट टाइम पे आई हो, बाहर रूम में बैठे हुए तुम वहाँ चली जाओ। हेलो, उस लड़के को जरा फोन देना। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? लाओ तो। हेलो संजू, अभी एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और कुछ प्लेसेस दिखाएगी, तुम सबको ठीक से देख लेना और जो पसंद आए मेरे आने के बाद बताना। मैं कुछ समझा नहीं, आप जाकर वहाँ दिखा दीजिए। ओके। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? मॉर्निंग, आई वांट टू मीट डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन, थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सचिन उस रूम में है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस, अभी वो पेशेंट देखने गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ओके। इसमें क्या मिस्टेक है, देखें तो। हेलो, हे, ये डॉक्टर तो बहुत यंग है यार। ए, वो यंग है तो तू क्या भागने की कोशिश करने वाली है? तुझे एक चीज पता है, इस सिटी में सबसे बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है वो, तू शर्मा मत, उसे अपना स्किन प्रॉब्लम बता दे, समझ गई? फाइन, बाय। ठीक है, बाद में देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, या हेलो, बैठिए ना प्लीज। नो नो इट्स ओके। आपको कुछ प्लेसेस दिखानी है। दिखानी है? हाँ दिखाइए ना। अंदर चले। अंदर? हाँ चलिए। आ
क्या ब्यूटीफुल है। कर्टन बंद कर देंगे प्लीज। हाँ? कर्टन क्लोज कर दीजिए। कर्टन क्लोज करते हैं। अब दिखाऊं? दिखाइए ना। यहाँ भी, यहाँ पर भी। अरे बाप रे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा है। हाँ? मतलब ठीक है, वन मिनट। हाँ ये अटेंडेंस हमेशा ऐसा है डॉक्टर। संजू लड़की आई क्या? अपनी सारी प्लेसेस दिखाई ना। उसमें से तुम्हें कौन सी प्लेस पसंद आई? लगभग सभी अच्छे हैं। अबो एवरेज है डॉक्टर। कंफ्यूज मत हो, बिना हेजिटेशन के सभी डिटेल्स पूछ कर देखो। इतनी बार पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तू शर्मा क्यों रहा है बेटा? अरे वो लड़की आई है तुझे दिखाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आई लव यू डॉक्टर। इतनी सी बात के लिए थैंक्स किस बात का? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हेलो डॉक्टर, ये बात मेरे डैडी को। अरे ये अरेंजमेंट तुम्हारे डैडी का ही है। मेरे डैडी, लव यू डैडी। एक बार फिर से दिखाइए ना, दिखा दीजिए प्लीज। ओके। कितना वेट करना पड़ रहा है। हाँ बेटी, काम हो गया ना? मैं अब तक अंदर गई नहीं। अभी तक नहीं गई? वो तो बोला कि मैं देख रहा हूँ। संजू, संजू, डिस्टरबेंस। डॉक्टर अंदर क्या कर रहे हो? जो जो नहीं देखना था वो सब देख लिया। इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? छी छी, इतनी पढ़ाई कौन करेगा। अरे ये डॉक्टर नहीं है बेटा, ये तो मेरा गेस्ट है। ए, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो फिर देखा क्यों? मुझे क्या पूछ रही हो? उन्होंने देखने के लिए बोला, आपने दिखा दिया और मैंने देख लिया। मैं क्यों देखने के लिए बोलूंगा? मुझे क्या पता, आपने बोला इसलिए मैंने देख लिया। दिस इज टू मच, मैं आप लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी, आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात तो सुनो। बाय। अरे ये क्या किया तूने? तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत समझाया था कि मैं तुमसे संभल कर रहूं, मती मारी गई थी मेरी। चल जाओ, जाओ। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे जिन्हें प्लेसेस दिखाना है वो यही है क्या? हाँ, मुझे ही दिखाना है जी। देखो देखो, तो देखने का बहाना चाहिए। देखो, ओह माय गॉड, तुमने डॉक्टर को ब्रोकर बना दिया। ओए, मेरा क्या कसूर है? उन तीनों की वजह से मैं बलि का बकरा बन गया। फिर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया है? काम पे भेजना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे डैड ने कुछ भी क्लियर किए बगैर डॉक्टर के पास भेज दिया, तो भी डॉक्टर को समझना चाहिए ना। कोई भी आएगी और अपने बॉडी को दिखाने लग जाएगी। अरे मैं भी तो एक लड़का हूँ, आने वाली को भी तो क्लियर होना चाहिए ना। जैसे 2BHK दिखाते वैसे यहाँ देखो वहाँ देखो ऐसे दिखाने लग गई। आई एम अ यंग बॉय यार, मुझे भी तो फीलिंग्स है ना। ओके ओके, ये सब छोड़ो, पहले तुम विजयवाड़ा क्यों गए ये बताओ। क्या हुआ मैनेजर साहब, सुबह सुबह यहाँ चले आए? एक बैड न्यूज सर। बैड न्यूज? अपनी कंपनी को जर्मनी कंपनी से कोलैबोरेट करने के लिए 40 करोड़ ट्रांसफर किए थे ना सर, हमें पता चला है कि ऐसी कोई कंपनी जर्मनी में है ही नहीं सर। ये सब जनार्दन के दिए हुए स्केच हैं सर, हम बुरी तरह से फंस गए हैं सर। अब क्या करें, पुलिस कंप्लेंट करें क्या? नहीं सर, हम लोग इतनी आसानी से फंस गए हैं ये पता चलेगा तो क्लाइंट्स घबरा जाएंगे। इससे अच्छा हम जनार्दन को भागने से पहले पकड़ लेते हैं। डैडी मेरा एक सजेशन है। तुझे कुछ पता नहीं है, तू अंदर जा। एक बार सुन लेते हैं ना सर। ठीक है बोल। हम लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला एक ही आदमी है, विजयवाड़ा का आदिकेशव। आंध्र प्रदेश के होने वाले सीएम स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रामराज को पहले से ही बड़ा धक्का लगा है। उन्हें 40 MLAs का सपोर्ट देने वाले वीरास्वामी 3 दिन से लापता है। वीरास्वामी ने अपने लिए होम मिनिस्टर का पद मांगा तो रामराज ने इसके लिए मना कर दिया था। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया है। देखते हैं कि इस उथल पुथल में प्रदेश का भविष्य क्या तय होता है।
क्या डिसीजन लिया है? पार्टी को जिताने के लिए मैंने खुद का पैसा खर्च किया है, वो वापस कमाने के लिए मुझे होम मिनिस्ट्री की सीट चाहिए, समझे? नहीं तो मैं अपने जीते हुए एमएलएस को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर बात मुझ तक पहुंची है तो पद के बारे में नहीं प्राण के बारे में सोचना चाहिए था। नए चीफ मिनिस्टर को आदि केशव की तरफ से शुभकामनाएं। हेलो, एक मिनट भाई। हैदराबाद से सूर्य नारायण ने कॉल किया है, आपकी हेल्प चाहिए उन्हें। कह दो नहीं है। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के मालिक है भाई। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लास्ट टाइम इलेक्शन के लिए फंड भेजा था। बोलो। प्रॉब्लम बड़ी है, यहाँ आना पड़ेगा। थैंक यू सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विजय वाड़ा बुलाया है। hey, तू ड्राइवर राजू को फोन करके बुला, तुम जाके मेरे कपड़े पैक करो, साथ में लैपटॉप भी रख देना। राजू कहाँ है? सही मुझे वो चेन्नई में है डैड। अरे उससे पूछ कब आएगा। कब आएगा राजू? फोन रख दो, डैडी दो दिन लग जाएंगे। अरे यार तो कोई दूसरा ड्राइवर देखना। अर्जेंट ड्राइवर के लिए पूछेंगे तो 5,000 मांगेगा, ट्रैवलिंग भत्ता अलाउंस ये सब पकड़ेंगे तो कम से कम 10,000 हो जाएंगे। मैं 20,000 दूंगा, तू ड्राइवर मंगवा। 20,000? आपको ड्राइवर मिल गया डैड, मैं हूँ ना मम्मी, चलो कपड़े पैक करते हैं। अरे अब ये मेरे साथ विजयवाड़ा जाएगा। जोर से खुशी से घूमने फिरने जाएंगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, जोर से खुशी से घूमने फिरने जाएंगे। गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। ए, चलो। क्या यार तुम भी। अरे, क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छा आदमी है डैड, बॉडीगार्ड की एक्टिंग कितनी अच्छी करता है ना। ये क्या कर रहा है तू? और नहीं तो क्या डैड, आकर एक घंटा हो गया, भूख लग रही है। हम लोग आदि केशव के घर आए हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है, उसके बावजूद ये यहाँ से बैठकर पूरी असेंबली चलाता है। भाई आ रहे हैं। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। बैठो। अमाउंट कितना है? 40 करोड़ सर। मैंने मेरे बेटे पे इतना भरोसा नहीं किया जितना मैंने उस पर किया, इसलिए उसने ठेंगा दिखाया। 40 crores। यस सर। लो ना। यस थैंक यू सर। मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने जर्मनी में मीटिंग अरेंज की थी। ठीक है ठीक है। फोन नंबर बताओ। फोन नहीं लग रहा है। फोन स्विच ऑफ है भाई। उसकी फोटो है क्या? सर है, ये है सर। इस फोटो को फॉरवर्ड कर दो और बोलो कि सभी अपने अपने एरिया में ढूंढें। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू सर, फिर आएंगे सर, चलना चल। काम होने तक यहीं रहना होगा। आपके घर पर क्यों सर, हम बाहर रह लेंगे ना। हमारे घर पर आए हो तो हमारे मेहमान हो, बाहर जाओगे तो हमारे दुश्मन तुम्हें मार देंगे। वो चलेगा? ओह सो बेसिकली हम आपके घर से बाहर जाएंगे तो अपने घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, यही बात है ना अंकल? मैं यही रहूंगा अंकल, आप डैड? मैं भी यही रहूंगा सर। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बिजनेस देख रहा है सर। खाली घूम रहा है या बिजनेस देख रहा है? खाली घूम रहा है सर। जाओ आराम करो यार। तू बोल नहीं सकता था कि तू बिजनेस संभाल रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था तू वहाँ पे। सडनली मुझ पर इतना प्यार पैदा हो जाएगा, मुझे क्या पता था। हर एक को तो मेरे बारे में बस यही बताते रहते हो कि मैं बेकार घूमता हूँ। हमेशा एक ही जैसा मेंटेन कीजिए, इंसान को एक ही बात पे डटे रहना चाहिए। हाँ यही तुम लोगों का रूम है? यही है। ये क्या है यार, बिल्टअप देखकर तो लग रहा था बहुत बड़ा होगा, बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, जस्ट एवरेज है ना डैड? नहीं सर, ये तो वाकई बहुत अच्छा है सर,
आप जाइए ना सर, ये बहुत अच्छी जगह है सर। सोच समझ के तो डैडी, आपकी हाथ की रेखाएं आठों तरफ घूम रही है, आपकी लाइफ में मेगा सीरियल शुरू हो रही है, पिक पॉइंट पर पहुंच रहे हो, ऑल द बेस्ट। आप लोग यहाँ पे नए हैं क्या? हाँ। अरे दिन और रात होता है कि नहीं, तुम लोग सोने नहीं दोगे क्या? थोड़ा अर्जेंट काम था। अरे मुझे काम नहीं है क्या? ठीक है बोलो जल्दी। एक्चुअली एक एजेंट ने हमें धोखा दिया था तो हम लोग। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ यार, पूछ रहा हूँ खाओगे क्या? हमें क्या चाहिए, एक गिलास दूध दे दो। तुम्हारे लिए भी दूध लेकर आऊँ क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं एक लिस्ट बताता हूँ, लिख लो। जरूरत नहीं है, एक बार बता दोगे तो माइंड में फिट हो जाएगा। ओहो, माइंड में मेमोरी कार्ड फिट कर दिया है क्या? हाँ। चिकन फ्यूरी, चार चपाती, मटन मसाला, बोम्बिल का सूप, और भेजा फ्राई, लिवर फ्राई, और चार ऑमलेट। है ये सब अपने खाने के लिए मांग रहा है या बाहर जाके बेचने के लिए? ये क्या करना है, जल्दी जाओ और लेके आना। अरे यार तुम इसे पालते कैसे हो? अरे पागल हो गया है क्या, ये जगह तूने कोई ढाबा समझी है क्या? ठीक है यार, मेरे डैड को थोड़ा सा फील हो रहा है और तुझे भी थोड़ा फील हो रहा है, इसलिए एक ऑमलेट कैंसिल करके बाकी सब लेके आ जा। मेरे से मजाक करता है। अरे जाना है यार, जा जा। इतनी टेंशन में तू खा कैसे सकता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। टेंशन तो आपको आया है, मुझे नहीं है, आई एम हंग्री यार। क्या हुआ भाई, पेट भर गया या दही चावल भी लाऊं? नहीं सब ठीक है। दही चावल खाने के लिए जगह ही नहीं है, थोड़ी जगह बचती तो खा लेता। जगह कहाँ रहेगी, सब तो अंदर ढकेल लिया। क्यों मिस्टर सूर्यनारायण, सगे बेटे के लिए एक गिलास दूध भी आप त्याग नहीं सकते? अब कहाँ जा रहा है तू? बाहर जाने के समय ये नहीं पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। साहब वॉक पे जा रहे हैं। सब चाट डाला। अरे तुमने बेटा पैदा किया या कुत्ता पैदा किया है? सॉरी, ये बचपन से ही है सर। बेबी गुरु में क्यों गया? दादा चर्म चढ़ गई है क्या? अरे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आज इतना नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ ना सब कुछ, डैड समझाइए ना। अब मैं बात कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का बेबी के रूम में गया था भाई। अब इसकी भी आदत है क्या इसे? ए, क्या बोल रहा है यार? ऐसी कोई बात नहीं अंकल, उस रूम से जोर से कोई आवाज आई थी इसलिए मैं बस देखने चला गया। पापा, कॉलेज की बैडमिंटन टीम में ज्वाइन होना चाहती हूँ, उसी की प्रेपरेशन के लिए मैच देख रही थी। कॉलेज जाती हो पढ़ने के लिए या खेलने के लिए? वो बात नहीं है जी, इसे स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। ये लड़की है, बैडमिंटन को छोटे कपड़े पहन के खेला जाता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये डिसाइड मैं करूंगा। जाओ सब लोग। सूर्य नारायण सर, तुम्हारा बेटा आइंदा इस तरफ ना आने पाए, वरना तुम्हें अपने घर अकेले जाना पड़ेगा। अंदर तू। ओह माय गॉड, कहाँ गया तू? इधर हूँ। इधर आ तू। उस लड़की के रूम में क्यों गया था तू? हम लोग इस घर के गेस्ट है ना, सभी से तो इंट्रोड्यूस करवाया लेकिन उस लड़की से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। कोई अंबानी का बेटा है, तेरा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा? उस लड़की का परिचय सिर्फ उसी से करवाया जाएगा जिससे उसकी शादी होगी। हाँ, वही तो करने गया था। क्या करने? परिचय डैड, परिचय परिचय। तुझे जहाँ भी ले जाऊँ तू हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू सिर्फ चार दिन के लिए अपनी हरकतें बंद कर देना। ठीक है डैडी। क्या हुआ? प्रॉमिस। प्रॉमिस, गुड नाइट। बचपन से प्रॉमिस कर रहा हूँ लेकिन कभी सच में निभाया है मैंने।
क्या है यार? चलिए। गुड मॉर्निंग सर। नाश्ता करो। थैंक यू। अभी खाने का मन नहीं है सर, भूख लगी है डैड। मेरे लोगों ने जनार्दन को ट्रेस कर लिया है, अब वो आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र भाग गया है। आप क्या करेंगे सर? टेंशन मत लो, वो कहीं भी छुप जाए आदि केशव से नहीं बच पाएगा। बाप रे, तुम दोनों के झगड़े के बीच मेरे पेट को क्यों मारूं? कुछ भी लेके आओ यार, मर जाऊंगा नहीं तो। प्यार दीवाना। आ, 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 आप यहाँ हो? रुकिए, पेन और पेपर लेकर आता हूँ। अरे सुनना सुनना, वैसे खाने का कुछ मन नहीं है, लेकिन एक प्लेट इडली लेके आ जा। खाने से पहले नजर उतारने के लिए क्या? क्या बोला क्या बोला? यार मुझे एक डाउट हो रहा है, पर सभी लोग जापान के सुमो की तरह दिख रहे हैं, तू एक अकेला ही है जो जले हुए समोसे की तरह दिख रहा है। अब तेरा अवतार और तेरे काम का कोई तालमेल ही नहीं लग रहा है। कैसे होगा? बाकी लोग काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पकड़ा गया हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। पकड़ा गया इसलिए काम कर रहा हूँ? इंटरेस्टिंग है यार, आगे बोल। फ्लैशबैक में मैं बहुत बड़ा चोर था। तू पहले फ्लैशबैक बता, छोटा चोर था या बड़ा चोर? मैं बताता हूँ। वन डे बैड नाइट, मेरी तकदीर खराब थी। दो पैक पीने के बाद मुझे पता नहीं चला कि ये आदि केशव का घर है। आपने देखा है ना उन मोटुओं को? उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस पकड़ती तो 6 महीने में जेल से बाहर आ जाता। इन लोगों ने पकड़ा है, 6 साल से बिना पगार के नौकरी कर रहा हूँ मैं। मेरी किस्मत खराब हो गई। कोई मेरी जगह पे आ जाए, मैं छूट कर बाहर चला जाऊँ। दिन रात यही मनाता हूँ मैं। ये सब तो ठीक है, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है? हाँ, जब मैं यहाँ पे आया तो जो 10 साल से था उसे छोड़ दिया गया, उसी उम्मीद में जी रहा हूँ मैं। पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है या तो और क्या, एक काम कर, इडली प्लेट के साथ कल का ऑर्डर भी रिपीट कर ले। अब क्या हुआ? एक बात बता, तुम्हारी छोटी मालकिन कहाँ है? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही पूछ लिया। आज होली का दिन है ना, सभी लोग बाहर खेल रहे हैं। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तो जानबूझकर फंसाया। जानबूझकर फंसाया? मैं तो डर गया। तुम भी ना। हाँ पता है, कल तो तुम उनसे मार खाते खाते बच गए, मिस हो गया। पता है, भगवान ने लड़कियों को एक वरदान दिया है, अंदर से वो कितनी भी क्रूएल हो लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर हंसी दिखाई पड़ती है। तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। हेलो, मैं तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, मेरे डैड का कोई प्रॉब्लम है वो बस सॉल्व करने आया हूँ। तो अपने डैड को यहाँ छोड़कर तुम चले जाओ ना। अच्छा, इतना क्लियर होने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं पापा को बता दूंगी। वो हम दोनों का प्रॉब्लम है ना। तुम्हारे डैडी को भी बता दूंगी। वो मेरे डैड का प्रॉब्लम है। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। मेरे जैसा लड़का देखते ही पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे पसंद आएगा। चलो ना, तुम्हारी बात ना मेरी बात, टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर टेल्स आया तो बिल्कुल नहीं हिलूंगा। डील या नो डील? तुझे छोड़ने की बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए फिक्स्ड हूँ। ये क्या बिना देखे? अरे क्या है बिना देखे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एडजस्ट हो जाओ ना। सेल्फी वन मोर हो जाए क्या? चक्कर लगाना शौक लगता देख तुझे, छूना ना तू देख मुझे, तू है एक मस्त कुड़ी, दूर जा जा, प्यार जग तुझे बेकार लगे, अरे तेरा
तेरा घिसा पिटा प्रेम गीत कौन सुनेगा जरा तू दूर हटा ए रे छोरा दिल दीवाना तुझ पे आया दिल दीवाना तूने यारा दिल चुराया तूने यारा दिल चुरा के दूर मुझसे तू न जाना मेरे पीछे भौरों जैसा और न चक्कर लगाना जैसा और न चक्कर लगाना दिया जाए कि छोड़ दिया जाए क्या रे दारू एक पैक में ही किक आ जाएगी अरे इसके सामने जीन और विस्की कुछ भी नहीं है अगर भाई को पता चलेगा ना अरे वो जीन और विस्की थोड़े पीते के पता चलेगा इसे ऐसे मिला करके अरे मैं तो ऐसे ही ले लूंगा ये क्या है भाई बादाम मिल्क है वो और क्या है क्या है यार तूने अपनी कहानी बता के मुझे पागल कर दिया इसमें तो कुछ अलग स्मेल आ रही है इसमें बादाम पिस्ता आम इमली सब मिला है इसके लिए नशा है तब तो ओके है मेरे खाने के समय अगर खाना अटक गया तो पानी भी नहीं देते और इसके लिए स्पेशल बादाम मिल्क बना कर दे रहे हो प्यार प्यार क्यों रे इसे मैं पीऊंगी हे भगवान हम इस लड़की को कौन संभालेगा अब यहाँ से निकल लेना चाहिए अब भागो भागो निकलो यहाँ से अरे रुक यार क्या ये ऐसे भाग गया अगर भूकंप आएगा तो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा भूकंप कहाँ पर आया Who's that? Yes, दुनिया राउंड राउंड घूम रही है मार क्यों रही हो पृथ्वी को पकड़ने के लिए बोल रही हूँ मुझे क्यों पकड़ा तुमने अच्छा बताओ क्यों आए हो यहाँ पर मैंने बताया था ना मेरे डैडी को एक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आया हूँ Shut up मुझे पता है मेरे लिए आए हो क्या हुआ बस क्यों रही हो ये कलर कहीं मैच हो रहा है क्या मेरा तो प्योर व्हाइट करीना कपूर जैसा कलर अच्छा। है और तुम्हारा कलर किसके जैसे रजनीकांत वो तो फिर भी ठीक है तुम तो जॉनी लीवर जैसे हो देखो ज्यादा बोलो मत नहीं तो तुम्हारे बाप को बोला के बता दूंगा तुमने दारू पी है मेरे बाप से तुम लोग बहुत डरते हो और मैं भी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है क्या हुआ मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरा बाप ही डिसाइड करता है मुझे ऐसा गुस्सा करने वाला बाप नहीं चाहिए प्यार करने वाला चाहिए ऐसा मुंह पर बोलने का मन करता है लेकिन डरती हूँ ऐसे क्या देख रहे हो वो बात नहीं बाप रे क्या है तुम फ्रूट जूस नहीं पीते हो क्या क्या कहा फ्रूट जूस नहीं पीते हो नहीं पीता हूँ
तुम्हें पीना चाहिए फ्रूट जूस। हा? तभी तो तुम्हारे चीक्स भी मेरे जैसे हो जाएंगे। ठीक है मेरी माँ, पहले उठो तो। नहीं उठ पा रही हूँ। कोई देखेगा तो मुझे उठा लेगा। आज रपट जाए तो हमें ना उठाई हो, आज फिसल जाए। अरे बाप रे, अरे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे भागो। अरे बाप रे, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा। तुम्हारी चुनरी कहाँ है? मेरी चुनरी कहीं गिर गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ पापा। चुनरी खो गई? अरे यही कहीं होगी, देखो मिल जाएगी, देखो ढूंढो उसे, जाओ। ये क्या है? लड़की की चुनरी है। नीचे गिरादे से हाथ में क्यों पकड़ रखा है? बेटी की चुनरी कहीं खो गई है, जाओ उसे जल्दी से ढूंढो। हमें पता नहीं सर। तुम लोग जाओ। पापा, हाँ? इसके पॉकेट में कुछ है। क्या है पॉकेट में? कुछ नहीं है सर। है पापा? कुछ नहीं है। बोलो ना, कुछ नहीं है। उसे बाहर निकालो। ओके। अरे तू क्या कर रहा है ये? अरे क्या करेंगे डैड, अंकल पूछ रहे हैं ना। सर कुछ भी नहीं है इसके अंदर दिखाने के लिए। वो जनार्दन मिल गया है, चलो आओ। तुझे ज्यादा हो गई है। पूरे 40 खोखे कहाँ छुपाए तूने? मैं नहीं जानता सर। लेकिन मुझे पता है, फार्म हाउस पर तेरी पूरी फैमिली बड़े मजे के साथ रह रही है, मुझे सब पता है। एक लड़की एक लड़का बहुत प्यारे हैं। सिर्फ एक मिनट लगेगा, तेरी सारी फैमिली फार्म हाउस से शमशान घाट पर होगी। नहीं सर, 24 आवर्स में वो सारा पैसा सूर्य नारायण के अकाउंट में आ जाना चाहिए, तभी तेरी फैमिली तुझसे मिल सकेगी। यस सर। बाप रे, ऑफिस में ऐसा सीन देख रहा है। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा पेन ड्राइव में यही कहीं भूल गई थी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? अबे तू भी वही देख रहा है? इसको देखो, सॉफ्ट कॉर्नर देखने में लगा हुआ, काम धंधा नहीं है क्या? निकल ले बेटा। ए, एक्सक्यूज मी, आपने बुलाया मुझे? क्या देख रहे थे तुम? नहीं कुछ नहीं देखा। देखा? नहीं देखा जानू। मैंने देखा कि तुम देख रहे थे। ए, इतना सब दिखा के तो देखा देखा बोल रही हो। उस दिन हॉस्पिटल में पूरा देख लिया था ना, बढ़िया था। ओए, मैं देखूंगा तो कोई गलत नहीं है ना? तुम तो बहुत खुश हो ना। मेरी जगह यही लेने वाला है पक्का। शंकर। यस मालकिन। पूजा के लिए फूल लाए थे वो कहाँ है? वहीं तो रखे थे मंदिर के पास। लेकिन यहाँ नहीं है। अरे सुनो। हाँ? मेरी व्हाइट शर्ट नहीं दिख रही। मैं पापा को बता दूंगी। अरे चुप, पापा को बता दूंगी। जाओ से, जाओ, जाओ। ओह माय गॉड, व्हाट अ पिक्चर। हाय अंकल, फोटो अच्छी है।
आइए सर, आइए आइए, ये देखिए यहाँ पे सब प्लेट्स हैं, ये टिफिन्स हैं, ये चाय के कप, ये बाकी बर्तन और कटोरियां हैं। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरी आजादी का समय आ रहा है और आपका नंबर लगने वाला है साहब। ओहो, उसमें क्या है? इधर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं सर, पूरे 40 करोड़ मेरे अकाउंट में वापस आ गए हैं सर। मेरी लाइफ और डेथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर आपने। सर आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर, लेकिन आपका एहसान चुकाना है तो कुछ ना कुछ तो मुझे वो सब इलेक्शन के टाइम पर देख लेंगे, इसके बाद और किसी पर भरोसा मत करना। नहीं करूंगा। कब निकल रहे हो यहाँ से? अभी 2 दिन के बाद। हाँ डैड, दुर्गा माता का मंदिर, फिर कृष्णा नदी, प्रकाशम बैरेज, ये सब बिना देखे जाएंगे तो अंकल को बुरा लगेगा। मुंह बंद रखा अपना। सर हम लोग अभी निकल रहे हैं सर। इतनी रात को? कल सुबह चले जाना। हाँ, जैसा आप कहें, हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे सर। हाँ, हमारी शराही तो जरूर मिलेगी सर। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। ठीक है आंटी, चलते हैं। बाय। चलते हैं बेटा। ओके। चलते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है भाई। अरे चल भाई, गाड़ी चला, चल आजा। जोर से खुश होकर घूमने फिरने जाएंगे, डा 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 डा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, डा 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 डा। अरे संजू जरा गाड़ी शॉप के बाहर रोकना तो, मैं एक छोटा सा बुरा काम कर रहा हूँ, किसी को बताना मत। सिगरेट छोड़कर 10 साल हो गए डैड, फिर ये गंदी आदत क्यों? अरे ये मेरा रीबर्थ है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा तूने कभी भगवान को देखा है? नहीं। मैंने देखा है और पिछले 4 दिन में उसे डायरेक्टली देखा है। अरे वही तो है आदि केशव जी। वाह, वो सच में भगवान है, वो बस भगवान ही है। हाँ, और तुझे भी थैंक्स बोलना है, हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा देता था, जिंदगी में पहली बार बिना मुझे किसी तरह की तकलीफ दिए तूने मुझे सेफली बाहर निकाल दिया। बता तुझे क्या चाहिए, बोल। नहीं चाहिए डैड। अरे तू कुछ भी मांग मैं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए संजू, लास्ट टाइम तूने फॉरेन बाइक मांगी थी ना, वो ऑर्डर कर दे। नहीं चाहिए बोला ना। अब क्या हुआ तुझे? हाँ डैडी। हाँ मैं। हाँ हाँ मैं। बोल 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 बोल। मैं हा? मैं हा? आदि केशव जी की लड़की से प्यार करता हूँ। अरे तू प्यार करेगा तो उससे क्या होगा, उसे भी तो प्यार करना चाहिए। वो भी मुझसे प्यार करती है। तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? वो लड़की वहाँ काम करने वालों को प्यार से देख के हंसती है, इसका मतलब वो वहाँ काम करने वालों से प्यार करती है? मैं बोल रहा हूँ तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। आज तक तेरी बात कब सुनिए जो मैं आज यकीन कर लूं। हाय, गुड मॉर्निंग अंकल। तुम्हारी पूरी स्टोरी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आखिर वो लड़की गाड़ी में कैसे आई? तुम्हारा लव कब स्टार्ट हुआ? सेम क्वेश्चन मेरे डैडी ने भी पूछा था। कितना भी प्यार कर ले पर क्या राक्षस की बेटी को उठाकर लाएगा तू? अच्छा अभी तो भगवान बोला था और अब राक्षस बोल रहे हो? वो सब मैं नहीं जानता, मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। अगर ये साथ रही तो वैसे नहीं जी पाएगा, उन्होंने ढूंढ लिया तो तुझे मार डालेंगे। देख बेटा, मैं तेरे पापा से हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लूंगा, तू आ मेरे साथ। चल चल चल। मैं नहीं आऊंगी अंकल। 24 साल से मेरे साथ मेरे घर में रह रहा, लेकिन मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया, और ये 4 दिन में तुझे पसंद आ गया, ऐसा कैसे? 4 दिन से नहीं अंकल, हम दोनों एक दूसरे को 4 महीने से जानते हैं। हैदराबाद में हमारी पहली मीटिंग बहुत ही फनी थी। एक्सक्यूज मी। या बैठिए ना प्लीज। दिस इज टू मच। वो इंसिडेंट होने के 1 दिन बाद ही इसने मुझे अरे किसी छोटे बच्चे ने फेसबुक पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये तो बहुत क्यूट है, एक्सेप्ट कर लेना। Yes!
बच्चे का फोटो रख के फेसबुक पे फ्रेंड बन गए हो, कौन सी बड़ी बात है? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये फेसबुक बहुत बड़ा मैटर है। एक लड़के का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो ब्रुकलिन का फैन है या महेश बाबू का फैन है, ये सब छोड़कर वो ये चेक करिए कि सामने वाला चैट करने वाला कौन है, और उसके बाद वो रिप्लाई देखकर ये चेक करिए कि सामने वाले का रिप्लाई क्या है। ये सारा मैटर लड़कियां अपनी सुविधा के लिए चेक करती हैं, अपने जैसे लड़कों के लिए। फेसबुक रोमांटिक फिल्मों के एक्टर की तरह होता है। सिटी सेंटर में काम करती हो? चलिया 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 मेरी जा मेरी जा चलिया 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 मेरी जा मेरी जा। अगर तुम्हारे जैसा दोस्त किसी के साथ हो तो दुखी होने पर भी आंसू नहीं बहेंगे। I'm sorry, स्वाति। दरअसल मैं तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं थी। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए मैं तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, ये सच है। पता है? पता है? हाँ, मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो नेक्स्ट डे तुम ब्लू कलर पहनकर आ गए थे। कैपेचिनो कॉफी में अदरक डालकर पियेंगे तो अच्छा है कहा, तुम मेरे सामने ही अदरक डालकर पी रहे थे। तभी पता चल गया था मुझे। सॉरी। मुझे तुम पसंद हो संजू, तुम जैसे हो वैसे ही। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। क्या है? नहीं हो सकता, मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का हक पापा मुझे कभी नहीं देंगे। ऑलरेडी उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देख कर रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी। तुम मुझे प्रॉमिस करोगे? बोलो। आज के बाद तुम मुझे कभी मत मिलना, भूल जाना। चलो, तुमने बोल दिया और मैंने तुम्हें भुला दिया। जाओ यहाँ से। चलिया चलिया इस प्रॉब्लम से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, विजयवाड़ा का आदि केशव। मेरी जा मेरी जा मेरी जा चलिया 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 मेरी जा मेरी जा। सभी लोग कहते हैं कि लड़कों को प्यार करना नहीं आता और जताना नहीं आता, लेकिन प्यार को मना करना लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है। कहती हैं पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, बाप बुरा मान लेगा, माँ क्या कहेगी, फैमिली है, लेकिन एक बार प्यार करने वाले लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। हेड्स आया तो तुम्हारे पापा जो बोलेंगे वो होगा, और टेल्स आया तो मैं जो बोलूंगा वही होगा। दिखा दूं? जरूरत नहीं है। कॉइन जब हवा में उड़ रहा था तो तुम्हारे मन में बेचैनी हो रही थी, हेड्स आएगा कि टेल आएगा। बस रहने दो। ये दूसरे को धोखा देने के लिए, ये अपने आप को धोखा देने के लिए। उस दिन तुमने प्रॉमिस करने के लिए कहा था ना, अगर तुम्हें सचमुच मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। वाह, बहुत अच्छा काम किया बेटी। हाँ? अरे इसका मतलब तू मेरे लिए विजयवाड़ा नहीं आया था, तू अपने प्यार के चक्कर में मुझे यहाँ लाया। या। मतलब उस दिन ड्राइवर के नहीं आने के कारण भी। एक बार फ्लैशबैक देखिए ना डैड। राजू कहाँ है? यही चेन्नई शॉपिंग मॉल के पास हूँ भाई। वो चेन्नई में है डैड। कब आएगा पूछो ना। राजू कब आएगा? आप बुलाएंगे तो 2 मिनट में आ जाऊंगा बॉस। 2 दिन लगेंगे डैड। वो सब बाद में देख लेंगे डैड, लेकिन अभी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमारी शादी कहाँ कराओगी? शादी? बिना मतलब की इतना भड़की है मत। एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। हेड्स आएगा तो हमारी शादी आप कराइए, और टेल्स आया तो हम दोनों शादी कर लेंगे। डील या नो डील? सुनिए जी, मैंने पूरा घर ढूंढा लेकिन स्वाति नहीं मिली। लड़की घर से गायब है, तुझे पता नहीं? तू कर क्या रही है घर में? भाई फोन। हेलो। हाँ सर, मैं सूर्य नारायण बोल रहा हूँ सर। ए, फिर से क्यों फोन किया? तेरा काम हो गया ना? सर वो आपकी लड़की। मेरी लड़की? सर आपकी लड़की, आपकी लड़की। मेरी लड़की क्या? आगे बोलो। सर वो मैं कह रहा था कि बाई मिस्टेक आपकी लड़की हमारे लगेज में आ गई सर। सर ये क्या बकवास कर रहा है? सर वो लोग प्यार करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था सर, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ सर। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग?
भाई हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला भाई। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, निकालो इसे। कहाँ है मेरी बेटी? भाई ये कैसे बोलेगा भाई? ए, इसके मुंह से पट्टी हटाओ। मैं बाबू फिर भी मुझे बांध के चले गए वो। देखता हूँ कहाँ तक जाएंगे। ए, वो बॉर्डर ना क्रॉस करने पाए। हाँ जाओ जल्दी जाओ। सर ऐसे कुछ मत कर रहे सर। सर वो आपके बारे में नहीं जानते इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया सर। सॉरी मैं सब जानता हूँ। इसमें तू भी शामिल है। अभी तक तूने मेरे हेल्पिंग हैंड को देखा है, अब तू मेरे किलिंग हैंड को देखेगा। स्वाति तुम अपना फोन लाई हो? मैं नहीं लाई हूँ। बाप रे ये क्या किया तुमने? अपना सिम कार्ड फेंक दिया। सिम कार्ड रहेगा तो तुम्हारा बाप हमें ट्रेस कर लेगा। मेरा बाप क्या करेगा, मुझे वो डर लग रहा है। लेकिन तुमने तो अपने बाप को ही मुश्किल में डाल दिया है। ए, मेरे बाप के बारे में टेंशन मत लेना। मेरा बाप बाहर से बस ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से मेरे लिए जान देने को तैयार है। तेरी जान बचाने के लिए वो जरूर आएगा। सर आपकी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है सर। मेरा उसका इतना अफेक्शन नहीं है सर, वो तो मेरा एनिमी है सर। तुम्हारे लिए नहीं तो वो अपनी माँ के लिए जरूर आएगा। माँ? अरे लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? एजी तुम भी आ गई? कौन है ये लोग? कम से कम मुझे साड़ी तो बदलने देते। पागल का मुंह बंद रखना। तेरा बेटा इनकी लड़की को लेके भाग गया है। ये अपने छोटू का ससुराल है। नमस्ते भाई साहब। रिश्ता मत बना, अगर सुनेंगे तो काट डालेंगे। अरे अरे चुप हो जा। सर गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी वाइफ है सर। नमस्ते। ए, सर भाई। तुम्हें बुला रहे। इन दोनों को अंदर डाल दो। सर अंदर डालने की जरूरत क्या, हम यहीं रह लेंगे सर। यहाँ भी ठीक है ना? यहीं रहना तुम लोगों को। हाँ यहाँ भी चलेगा सर। थैंक यू, चलो रे। सुनिए जी, पूरब दिशा में हमें कमरा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा जी। तेरी खोपड़ी मेरी मती मारी गई। चिल्लाइए मत, बीपी हाई हो जाएगा तो टैबलेट्स नहीं है। ए, काम कर। जय हो दुर्गा मैया। उसे नहीं फंसाया तो उसकी जगह उसके माँ बाप को फंसा दिया। ये सब आपने मेरे लिए किया है ना, प्रसाद चढ़ाऊंगा। सलीम अनारकली ने भी इतना रिस्क फेस नहीं किया होगा। तुमने लव के लिए इतने प्रॉब्लम्स फेस किए। ट्रेलर पे ही तो इतना आउट हो गई क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। One minute. Sure. दीपू, मैं MLA बनने जा रहा हूँ। वाओ, कैसे? आने वाले इलेक्शन में पिता के रसूख और होने वाले ससुर के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आधार बनाकर MLA के लिए खड़ा हो रहा हूँ।
सुपर, खूबसूरत लड़की के साथ साथ एमएलए का पोस्ट भी मार रहे हो। तुम्हारा नया फ्लैट कैसा है? फ्लैट की बात छोड़ दो, तुम्हें एक फनी इंसिडेंट बताना है। मैंने अलमारी खरीदी तो उसमें से एक आदमी बाहर आया। दीपू, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह दारू मत पिया करो। अरे नहीं रे बाबा, सच बात तो ये है कि एक लड़की से प्यार करता है, लड़की के बाप के आदमी इसके पीछे पड़े तो ये अलमारी में घुस गया। इज इट इंटरेस्टिंग है ये, आखिर वो लड़की कौन है? कोई विजयवाड़ा आदि केशव की लड़की है। आदि केशव की लड़की? उस लड़की से तो मैं शादी करने वाला हूँ। क्या कहा? उस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है। दीपिका जिंदाबाद। दीपिका जिंदाबाद। आई कांट हियर यू। दीपिका जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद। ये दीपिका कौन है? आई कॉल यू लेटर, डिस्टर्बेंस बहुत है। भाई तू तुरंत जुबली हिल्स सुरेखा अपार्टमेंट पे जा, वहाँ फ्लैट में दीपिका नाम की एक लड़की होगी, उस फ्लैट में एक लड़का भी होगा, उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ, अगर नहीं माना तो उसे वहीं ठोक देना। भूख लगी है तुम्हें, कुछ बना के दूँ? खाना बना के खिलाओगी लेकिन मुझे बाहर नहीं भेजोगी क्या? करेक्ट बोला। तुम्हें दूसरों की पर्सनल डायरी पढ़ने का बहुत शौक है क्या? पढ़ना ही नहीं सुनना भी बहुत पसंद है। बाद में क्या हुआ? माँ जी रास्ते में गाड़ी की प्रॉब्लम हो गई है, जब तक दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त ना हो ये थोड़ी देर यहाँ रह सकती है। ठीक है बेटा, तुम अंदर आके बैठो। बहन जी इसे अंदर लेके जाओ। ठीक है, आधे घंटे में आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी प्लीज। तुम बाहर आओगी तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, तुम्हारे बाप के बहुत सारे पहचान वाले हैं यहाँ पर। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत मारेंगे, लेकिन अगर तुम्हें पकड़ लेंगे ना तो तुम्हारी शादी करा देंगे। प्लीज मैं जल्द आ जाऊंगा। अरे भाई का फोन है। हाँ भाई। क्या हुआ, मिला क्या? नहीं मिला भाई, उसी काम पे लगे हुए हैं। अगर लड़की के बिना तुम लोग आए तो सबको मार डालूंगा। ठीक है भाई। भाई एक सिगरेट देना। ए सिगरेट देना। चाय हो तो वो भी देना। चाय हो तो वो भी देना। दो बिस्किट भी देना। दो बिस्किट भी देना। अगर मेरी नकल करने की कोशिश करो सर फोड़ दूंगा। मेरी नकल करने की कोशिश करो सर फोड़ दूंगा। अरे छोड़ ना यार, वो मेंटल है, उसके सामने जो नजर आता है वो उसकी नकल करने लगता है। सच कह रहे हैं, ऐसा भी इंसान होता है क्या? सच कह रहे हैं, ऐसा भी इंसान होता है क्या? भैया हैदराबाद चलोगे? नहीं जाऊंगा। अरे पैसा ज्यादा ले लो ना। नहीं सर नहीं जा सकता। ये खब्बू यहाँ का? सुनो भाई हा? आपको गाड़ी चाहिए, हमारी गाड़ी में आएंगे। वो बात क्या है ना बेटा, तेरी पर्सनालिटी को ये जरा भी सूट नहीं करता है। अबे भैंसों जैसा खाना बंद करो, इधर आओ इधर। अरे रुक रे लम्बू मैं आ रहा हूँ। अरे रुक रे लम्बू मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या पनौती है, मेरे पीछे पड़ गया ये तो। अरे लम्बू रुक जा। ओ शिट। अरे लम्बू रुक जा। ओ शिट। तुम मुझसे ज्यादा नहीं भाग पाओगे। तुम मुझसे ज्यादा नहीं भाग पाओगे। मुझसे ज्यादा तू भाग नहीं पाएगा। अरे बाबरे मामा मामा। अरे बाबरे मामा मामा। ए इधर भागा, उधर भागा, उधर भागा, इधर भागा। मैंने तो उसे पकड़ लिया। उधर भागा, उधर भागा, उधर भागा, इधर भागा। मैंने तो उसे पकड़ लिया। नीचे उतर। छोड़ छोड़ ना। अरे उतर ना। अरे छोड़ ना। उतर। अरे अरे मेरी पैंट छोड़, पैंट छोड़। अरे पैंट छोड़, अरे पैंट छोड़। अरे छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ ना। अरे छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ ना। अरे ये तो भाग गया, कहाँ तक भागेगा ये ने? अरे यार मिस हो गया। अब ये भी रिपीट करेगा। अरे यार मिस हो गया। तेरा मिस नहीं हुआ, निशाने पे। ए, वो कहाँ गया? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? वो अंदर चला गया। अंदर चला गया। क्या निकल गया लगता है। चल हाँ चलो। देखो इस अलमारी को गोरखपुर भेजना है, इस अलमारी को चेन्नई भेज दो, और ये वाली अलमारी हैदराबाद भेज दो। और इस तरह ये अलमारी पार्सल हो गई, मुझे वहाँ पैक कर दिया और तुमने यहाँ अनपैक किया। पर उस लड़की की क्या हालत हुई होगी? मुझे भी वही डर लग रहा है। मैंने कहा था कि आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, बेचारी पता नहीं कैसी होगी। खाना खाने के लिए आओ बेटी। मुझे भूख नहीं है आंटी। आधे घंटे में आऊंगा कहकर गया था, अब क्या आएगा? इनकी बातों पर ध्यान मत देना, वो लड़का जरूर आएगा। वो वापस जरूर आएगा, मुझे पता है। हर किसी के प्यार में ऐसी मुश्किलें आती हैं।
लेकिन हमारे प्यार में कुछ ज्यादा ही मुश्किलें हैं। लेकिन मेरा संजू हर मुश्किल झेल लेगा आंटी। ओके। ऐसा है तो तुम्हें मैं बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूं? मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया? बस, ट्रेन और प्लेन की बात कर रही हो? वो सब मेरे लिए सेफ नहीं है। अगर मेरी हेल्प करना चाहती हो तो एक हेल्प करो। क्या है? मुझे फिर से इसी अलमारी में पैक करके स्वाति के पास भेज दो। फिर से अलमारी में? हे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कितना भी समय लगेगा लेकिन चलेगा। ये तुम्हारे फ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। मेरा क्या, आई विल मेक अ कॉल। अजय के 10 मिस कॉल्स। हेलो मैडम, पहले हमारा मैटर क्लियर कर लो ना। ओके बाबा, ओके। कौन चाहिए? 105 कहाँ है? ब्लॉक कौन सा है? ए ब्लॉक है ना? ओ, ए ब्लॉक है, उधर है उस तरफ। कौन चाहिए? दीपिका, तुम्हारा नाम है? हाँ, तो अंदर आ जाओ ना। ए दीपिका, ज्योतिका, राधिका, सभी बाहर आ जाओ। देखो तो कोई चिकना आया है। भाइयों, अपने पास आधे घंटे का टाइम है, सिलेक्ट कर लो। चलो, आप सभी को इसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, पार्टी को बहुमत से जिताना चाहिए। कहां मर के सबके सब, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। आने वाले बाय इलेक्शंस के लिए मैं मेरे बेटे अजय को एमएलए के लिए खड़ा कर रहा हूं। इसने पार्टी के इलेक्शंस में बहुत मेहनत की है, सब साथ दीजिए। हे, तुम्हारी लव स्टोरी अच्छी है, तुम्हारी लवर भी अच्छी है क्या? बहुत खूबसूरत है, देखोगी? मेरी होने वाली फियांसी है, कैसी है? ओ माय गॉड, ये जिससे प्यार करता है वो अजय की होने वाली वाइफ है। अच्छी है ना? ओए, ट्रांसपोर्ट वाले आ गए हैं, चलो। संजू, एक मिनट, आज मत जाओ। आई मीन इट्स नॉट सेफ, वी विल प्लान समथिंग। आई प्लान समथिंग फॉर यू। हेलो, वन डे नहीं, वन सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगा। पहले देखो, देखो ना। संजू वो आ गए हैं, लेकिन चलो टेंशन मत लो, एक सेल्फी लेते हैं। कैच। हाँ, संजू। थैंक यू, सी यू, बाय। पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए। पागल कहीं की, कितनी बार फोन करूं? तुम्हारे फ्लैट में जो है वो मेरी फियांसी का लवर है। पता है, लेकिन मैं क्या करूं? वो मेरी बात सुने ही बगैर जाता हूं करके मेरी जान ले रहा था। उसने बोला और तूने जान दिया? डोंट शाउट, मैंने उसे उस एड्रेस पर नहीं भेजा है, बल्कि आदि केशव के घर पर भेजा है। वो वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, वो मुझे चाहिए। उसे मैं अपने ढंग से समझाऊंगा, उसे पकड़ कर लाओ। विजयवाड़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिली है लावारिस लाश। किसी ने उस लड़के पर पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया है। उसकी उम्र लगभग 24 साल की हो सकती है, ऐसा पुलिस का मानना है। हत्या का कारण दुश्मनी, पैसा या प्यार, सभी कोनों से पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आगे की खबरें कुछ देर बाद। ये मेरा संजू नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। या नहीं है रे, चलो। बच गए भाई, लड़की यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ, वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वाति, तू डर मत, तू तुरंत वहाँ से हैदराबाद चली आ। या, ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सो मच। कोई बात। एक्सक्यूज मी जी, कहिए, आप चलेंगे क्या? कहाँ जाना है? भाई, कहाँ मर गए थे तुम लोग? सब फोन बंद करके बैठे हो। दरअसल यहाँ पर सिग्नल नहीं है भाई। इडियट, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। बाहर निकालो उसे, आज इसका खेल खत्म। ए
रिसीविंग में गड़बड़ हुआ तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। तुम लोगों में से आदि कश्यप कौन है? तू है? तू है? इसको पूछ के लाया है। ए, उससे क्या पूछता है? मुझे पूछ। शंकर, उपमा शंकर हूँ मैं। अरे भाई, भाभी क्या इस बेवकूफ से प्यार करती है? ए, पागल है। महो तो क्या हुआ, डोसा हुआ तो क्या हुआ, पहले ये बताई सलमारी में कैसे है? पहले तू बताई सलमारी को यहाँ क्यों लाया? मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था और उसी के लिए ये अलमारी लेकर आया हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर, सच बोल दे। कितने लोगों को मारे गए तू? रोमियो जूलियट, लैला मजनू, मैं और स्वाति, कितनों को मारेगा बोल? मार, हाँ मार मार। ये नहीं है, चलो रे। रुक जाओ, हिलोगे तो शमशान जाओगे। स्वाति कहाँ है बता के जाओ। स्वाति मेरी है। स्वाति सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अगर चाहो तो कॉल करके पूछ लो, तुम पूछ सकते हो, जाओ। ठीक है, थोड़ा पीछे हट। ऐसी हेल्प तो मेरे डैड ने भी कभी की नहीं थी। एग्जाम में जैसे दो फ्रेंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वैसी हेल्प तूने मेरी की है दोस्त। लव यू यार। ट्रांसपोर्ट वाले आ गए, देखो तो। ये तो स्वाति के लिए देखा हुआ दूल्हा है, इससे इसका क्या कनेक्शन है? पहले यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद 2020 खेलेंगे। अरे वाह दीपिका, क्या काम किया है तूने। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, अलमारी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अंदर जाऊंगा तो बाहर कैसे आना है पता नहीं होगा। अब दिखाता हूँ इनको अपना कमाल, मुझसे चालाकी का खेल। देखो भाई, तुम आदि केशव जी के घर जाना चाहते हो या? तो तुम्हारे लिए स्पेशली रिजर्व करके रखी है ये अलमारी। हाँ? जाओ। संजू, कोई बस या ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए अलमारी का रिजर्वेशन किया। उपमा, हाँ? तुझे कंफर्ट चाहिए कि सेफ्टी चाहिए? मुझे तो स्वाति चाहिए। नॉटी उपमा। तो अंदर जा, मैं बता रहा हूँ। बाय, गुड बाय। ए संजू, अलमारी में हवा आती है ना? क्या यार उपमा, पागलों की तरह सवाल करता है तू, अलमारी में हवा नहीं आएगी क्या? चल। तूने इसी से प्यार किया है ना? She's my darling. Yes. ये तुझे कैसे प्यार कर सकती है? अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें, राजकुमार को बताऊंगा 200% लव, ऐसा पिक्चर निकालेगा। कमल हसन को बताऊंगा तो पहला प्यार करके पिक्चर निकालेगा। और तू क्या निकालेगा बता? गन निकाला आपने? अगर सच नहीं बताया तो डॉक्टर तेरी खोपड़ी से गोली निकालेगा रे। प्योर लव स्टोरी सुनने के लिए अगर आप इतना बेताब हैं तो मैं आपको बता दूंगा। स्टोरी कुछ इस तरह है, उस वक्त मैं 6 महीने का था, बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही शरारती। बाकी बच्चे क्या करते हैं, पेन से और गन से खेला करते हैं, मैं किससे खेलता था पता है? पता है, पता है? मैं जैक अंकल के गिटार से। उसी वक्त से मुझे संगीत से बहुत प्यार था और मेरा फर्स्ट म्यूजिकल डेब्यू नाइट शो Sing in the rain, rain in the sing. ये गाना गा रहा था और प्रेक्षक नीचे देख रहे थे, वो मुझे देखकर चिल्ला रहे थे। फिर वहाँ मौजूद सारे प्रेक्षकों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? एक लड़की मेरे बहते खून को रोकने के लिए बैंडेज लेके आई। इतने लोग मार रहे थे लेकिन उसने मुझे बैंडेज लगाई, मतलब वो मुझे प्यार करती थी। उसी दिन मैंने गिटार को छोड़ दिया और उस लड़की को अपना लिया जो मेरे दिल पर राज करती है। स्वाति, लेट्स गो। बाय। प्रसाद। See you later. Okay, bye जानू, bye. Bye जानू. मेरी जानू का पिया हुआ कोक किधर है? आई, मिल गया. मेरी जानू का पिया हुआ कोक और ये ठंडा. आई, ये तो बहुत भारी हो गया. ओ, क्या हुआ? ओ, let's go. मेरी जानू का चप्पल. हमारे एरिया में ये नया कचरा उठाने वाला कहाँ से आ गया? ऐसे नहीं मारेगा ये, मिला के इसके। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ, बस उन लोगों को मेरे प्यार के निशानी नहीं ले जानी चाहिए थी, वो बात ना आज तक मेरे दिल में खटक रही है। इसे क्या हो गया? उसे तुम्हारी लव स्टोरी हजम नहीं हुई। इस लव स्टोरी में लव कहाँ है बे? देखिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, ठंडे दिमाग से सुनिए तो सही। एक दिन संजू, स्वाति, मैं और सभी पिकनिक पर गए। जानू, तुम्हारे लिए ही है स्वाति, पियो लीटर लीटर पियो। ओके, एक्सक्यूज मी, वन मिनट, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हमेशा उसके साथ घूम रही है, बात क्या है? मैं उसे पसंद करती हूँ। वो तुझे इतना पसंद आया? कुछ लोग देखते देखते पसंद आ जाते हैं, लेकिन ये तो देखते ही पसंद आ गया। एक्चुअली अगर सच कहूँ तो आई एम इन लव विद हिम। चलिया चलिया मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा, चलिया 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 मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा।
अरे उपमा, तुम्हारे उपमा में तो काजू का टेस्ट आ गया रे। अगर तू उसे प्यार करती है तो बता देना। अगर मेरे पापा को पता चला तो वो उसे मार डालेंगे और उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे पता नहीं था मेरी जानू मुझसे इतना प्यार करती है। उसी दिन से मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। मैंने मम्मी से ब्लेसिंग्स लिए हैं, पापा से मैंने फाइट भी की है, और ये सब मैंने स्वाति के लिए किया है, उससे शादी करने के लिए। तभी मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है और मैं यहाँ पे आ गया। इतनी घटिया लव स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। अरे सर सर सर, एक इंसिडेंट बताना तो भूल गया। एक बार और बोला तो मार डालूंगा। अरे सर सर, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। कमिश्नर, अब उसके लिए जो भी करना है वो तुम्हारी पुलिस नहीं करेगी बल्कि मैं करूंगा। बेटा बेटा, ये पकड़ो। जी सुनिए तो, यहाँ ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड आ जाए, ऐसा फोटो निकालो। बुड्ढे हो गए हो, शर्म नहीं आती है क्या? हनीमून कपल्स की तरह फोटो निकाल रहे हो? मैं लूंगा। शादी होने के बाद पहली बार हम लोग टूर पर आए हैं, फोटो निकाल। टूर पे? देखा आपने, इसे टूर और किडनैप में फर्क ही नहीं मालूम है। चुप। ए जी, फोटो निकालना। मैं निकालूंगा। एक्सक्यूज मी, ये जरा पर्सनल कॉल है। हेलो, हेलो, मैं संजू बोल रहा हूँ। अबे कचरे के डिब्बे, तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए। जल्दी आ। कचरे का डिब्बा बोलेगा तो बताएगा क्या वो? अरे प्यार से पूछो कहाँ है वो, तब बताएगा। अरे संजू कैसा है तू? अच्छा है ना? मेरा क्या है माँ, मैं बड़ा पाव खाकर जी लूंगा। आप लोग कैसे हो? हम भी यहाँ पर अच्छे। हाँ माँ, वही बात पता करने के लिए फोन किया था। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय बाय। हेलो, उसने फोन कट कर दिया सर, पर कहाँ है ये नहीं बताया। लेकिन मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पे है। उसने बोला वो वड़ा पाव खा रहा है। वड़ा पाव कहाँ मिलता है पता है? नहीं ना, दर दर की ठोकरे खा चुका हूँ मैं। मुंबई में मिलता है वड़ा पाव, वो इस समय मुंबई में होगा। अबे मुंह लटका के क्या देख रहा है, फ्लाइट पकड़ के मुंबई चल चल। अरे चल ना। ए जी, हम लोग मुंबई जाएंगे। चुप कर। वो इन लोगों को मिसलीड करने के लिए वड़ा पाव भाजी पाव बोल रहा है, और ये पागल लोग उसकी बात सही मान के मुंबई चले जा रहे हैं। वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो देख रहे यही कहीं शहर में चक्कर लगा रहा होगा। थैंक्स बॉस, विजयवाड़ा के लिए दूसरी बस देख लूंगा। बस यहीं पर रोक दीजिए, एक मिनट में वापस आती हूँ। क्या चीज़ है? एनर्जी ड्रिंक है क्या? हाँ है ना। एक बोतल देना। चाय ले क्या? सॉरी मैडम, चाय पीने चला गया था। स्वाति स्वाति स्वाति, थैंक यू बॉस। कितना हुआ? 500 रुपए। चलो, कहाँ चले गए थे तुम? बताने के लिए कितना घबरा गई थी पता? मैटर पहले पता चल जाता तो बेबी जी को मीटर पर इतना लंबा लेकर नहीं आता। इस विजयवाड़ा के ड्राइवर ही नहीं, यहाँ के बेगर भी मेरे कंट्रोल में है। मेरी लड़की के साथ फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले मेरे पास्ट के बारे में सोचते तो तेरे लिए अच्छा होता। सर सर प्लीज सर, उसे छोड़ दीजिए सर, नहीं तो वो मर जाएगा सर। अब छोड़ना ना छोड़ना मेरे हाथ में नहीं, सिर्फ उसके है। वो छोड़ देगा सर, वो छोड़ देगा सर। ए, उनकी बेटी को छोड़ देना, छोड़ दे, बोल बोलना, छोड़ दे। ये चाहे मेरी लड़की को छोड़े ना छोड़े, ये प्राण जरूर छोड़ेगा।
तेरी आंखों के सामने ही मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और उसके बाद तू अपने प्राण छोड़ेगा। ए, इसे गोडाउन में लॉक कर दो, पिक्चर अभी बाकी है। बोला था ना मैंने तुझे, ये लोग तुझे जान से मार देंगे। माँ कहाँ है डैडी? तू मिल गया तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया। एक बार बात करने का मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटा, हाँ लो बात करो, बात करो। हेलो संजू। माँ तू ठीक तो है ना? बता ना बेटा। मैं ठीक हूँ माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी बेटा? एक इम्पोर्टेंट बात है माँ। बोल ना बेटा बोल। रात के डिनर में देसी मुर्गी का चिकन बनाना और मसाला जो है ना मसाला वो ज्यादा डालना हा? और लेग पीस है ना लेग पीस वो तुम्हारे स्टाइल में फ्राई करना हा? बहुत भूख लगी है माँ। हाँ टाइम पे आ जाऊंगा। ये तेरी तो सोचा था माँ से बात करेगा तो सेंटिमेंटल बात करेगा, तू तो खाना ऑर्डर करा रहा था। तुझे बांध कर यहाँ डाल दिया तो भी तेरा दिमाग बदला नहीं है जरा भी। कौन मुझे बांध के रखा है? ये देखिए अंदर भी पैरा रखो और बाहर भी। अंकल के सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी देर ऐसे बांध के रखा था। आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डैडी। गो। अरे मैं आदि केशव जी के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा और तुझे बचा लूंगा, तू कोई नाटक मत करना प्लीज 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 प्लीज। अभी देखिए अत्ता बघा। इसे किस जोक पर हंसी आ रही है? मैंने तो कोई जोक नहीं सुनाया सर, मदर प्रॉमिस। क्यों हंस रहा है इतना? खराब जिंदगी है। 1 लाख रुपया कहीं गिर जाए तो भी एक हफ्ते के बाद अफसोस करके भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो अपना दिल खो देते हैं वो शादी होने तक टेंशन लेते हैं। फाइट्स, चेजिंग, सुमोस, किडनैप्स, बाप रे, एकदम पीक पे चला जाता है। सर 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 ये बिल्कुल भी होश में नहीं है, ये बेकार की बात कर जा रहा है। अरे आप रुक जाइए डैड, लगता है अंकल ये टेंशन ले रहे हैं कि मैं कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। मैं टेंशन में लग रहा हूँ तुझे? आदि केशव हूँ मैं, आदि केशव। तो कौन सी बड़ी बात है, लव है मेरे पास। बिना मेडिसिन का डिजीज जिसको रहता है ना उससे ज्यादा सामने वाले को तकलीफ होती है, बीपी रेज होता है, टेंशन बढ़ता है, ऐसे में आप जैसे लोग शेक होकर पसीना छोड़ते हैं। विजयवाड़ा में ड्राइवर से लेके बेकर तक सभी लोग आपके कंट्रोल में हैं, ऐसा आपको लग रहा है ना अंकल? दिपड़े दिपड़े। क्या अंकल अभी भी समझ में नहीं आया? बाहर इतनी सिक्योरिटी, अंदर इतने गुंडे, उन लोगों के हाथ में वेपन्स, इतना होकर भी आपकी लड़की की शादी होने तक मुझे अंदर बांध के रखने को कहा है तो आपका डर देखकर मेरा हीरोइज्म बढ़ता जा रहा है अंकल। थैंक्स अंकल। एक बात बताऊं, आप अच्छी तरह लॉक करके अपने पॉकेट में रख लीजिए, कीज मिस हो गई तो दुल्हन मिस हो जाएगी। ए, भाई, भाई। इसे छोड़ दे। इसे छोड़ रहे हो आप? देखता हूँ क्या उखाड़ेगा। सर सर ये ड्रामा कर रहा है सर, ये आपको भड़का रहा है सर, इसकी बातों में बताइए सर, मैं कह रहा हूँ। आग भी मार रहा है तो। सर सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम भी जा सकते हो। आपने गलत किया सर, उसे लॉक करके चाबी अपने पास रख लेनी चाहिए थी। आप कह रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है। वो बाहर जाके कुछ भी करेगा तो वापस आप हमें बात कर यहाँ ले आएंगे। ये अप एंड डाउन जर्नी मुझसे नहीं होती, ये शादी होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। थैंक यू सर। इस एरिया के तुम बहुत बड़े दादा हो, मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल करूंगा। एक शादी को रोकना है। किसकी शादी? उसका नाम अजय है। कहीं तुम्हारी शादी से तो संबंध नहीं है? अरे मेरी शादी से कोई संबंध नहीं है यार, मेरी फ्रेंड दीपिका ने पूछा तो मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये है। ठीक है कर दूंगा मैं। बोलो मल्ली। भाई आपकी शादी रोकने के लिए कोई दीपिका नाम की लड़की ट्राई कर रही है। क्या बकवास कर रहा है? आप दोनों का संबंध है, उसके पास फोटो प्रूफ भी है भाई। उड़ा दूं क्या उसे? नहीं रुको, इलेक्शन का टाइम है, अपने सभी लोगों को उसके घर के राउंड अप करने के लिए बोलो, उसे किसी भी कीमत पर बाहर मत जाने देना। ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, अपने बंदों को उसके नजर रखने के लिए बोलता हूँ। हेलो। अरे सूर्पणखा, आज तुम्हारी नाक कटने वाली है। संजू इससे पहले कि अजय के आदमी तुम्हें उठा ले तुम जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाओ। लेकिन अजय मुझे क्यों मारना चाहता है? अगर इस शादी के बाद वो MLA बन गया ना और मैटर भी बाहर आ गया ना तो वहीं पर ब्लॉक समझ लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है तुम एक बार अपनी बालकनी से बाहर देखो। अजय ऐसा काम करेगा? उसकी शादी कैसे होती है मैं देखती हूँ। वही 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 कह रहा हूँ मैं, दिल में आग रखो और उसकी शादी तुड़वा दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
एक्सक्यूज मी। हाँ जाओ जाओ। मैंने जैसा कहा वैसा हो रहा है। सर आप अपना फोन देंगे, मुझे एक फोन करने की आवश्यकता है। किसको? पुलिस को? अरे नहीं तो सर, मेरी स्वाति को। हाँ हाँ, ये ले स्पीकर ऑन करके बात कर। अरे हाँ, क्या बॉस उस पागल को फोन क्यों दिया? वो उसे प्यार करती है या नहीं उसके मुझसे ही सुनते हैं। कौन है दूसरी तरफ? सर किसी पागल ने फोन उठाया, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। हेलो, मैं स्वाति के बेस्ट फ्रेंड ज्योति बात कर रही हूँ। मेरी फिजिक्स के नोट्स उसके पास रह गई है, जरा बुलाएंगे? थोड़ा इंतजार करो, अभी बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ बुलाओ। स्वाति बेबी, तुम्हारे लिए फोन है। हाँ बताना ज्योति, मैं स्वाति हूँ। ज्योति है के जीवन ज्योति, मैं तुम्हारा लवर हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तू स्वाति बेटी को लाइन मार रहा है। उल्लू का बंटे, अगर दोबारा स्वाति बेबी का नाम लिया ना तो चमड़ी उधेड़ के कुत्ते को खिला दूंगा, याद रखना मेरी बात। शंकर फोन दो, मुझे से बात करनी है। अरे नहीं स्वाति बेबी, अरे लेके जाओ इसे। फोन नहीं ले सकती मैडम, आप जाइए। तुम सब मिलकर कितनी भी कोशिश कर लो उसे मुझसे दूर रखने की, वो मुझसे ही शादी करेगा। वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। सर ये हर बार ओवर एक्टिंग करता है, जब तुझे खाना पचता नहीं तो खाता क्यों है? अभी एक बार इसे उसी अलमारी में बंद करके शादी में भेज दो। अगर लड़की ने कुछ गड़बड़ किया तो उसे भी ठोक दो। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, वो मेरी जिंदगी है। इसे लेके जाओ रे। सर सर सर, शादी चालू हो गई सर। ये कोई थिएटर है क्या कि पूछ रहे हो कि पिक्चर चालू हो गई? ऐसी बात नहीं है सर, हम बचपन से ही स्वाति बिटिया को इन कंधों पे खिलाया है। उसकी शादी देखने के लिए हम कितना बेताब हुआ हमको ही पता है सर। पूरा इतिहास बता दिया, अंदर जाओ। ठीक है सर। सर सर पीछे का गेट कवर कर दिया है। बाबू इधर आओ जरा, तुम लोग पीछे का गेट संभालो और तुम लोग वो VIP गेट संभालना, वहाँ भी दो चार आदमी और रखना। फालतू बातें मत करो, इतना दम नहीं है उसमें। उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर। तुम इसी वक्त सर, ठीक है, उसे बुला। सर क्या हुआ? सर वो आ गया है सर, वो जरूर इसी के अंदर है, इसी अलमारी में। ए, तू पागल तो नहीं हो गया? सर वो बचपन से ही घर से ज्यादा अलमारी में रहा करता था। इस अलमारी के अंदर कौन है? कौन है मतलब? ये कोई लॉज है कि अंदर कोई रहेगा? ये अलमारी है, कैसे सवाल पूछ रहा है? इसकी चाबी लाओ। वो तो तुम्हारी बहन पीछे के रास्ते से ला रही है। इसके ताले को तोड़ दो। सॉरी सर, सोचा कि इसी में होगा पर नहीं है। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? मेरी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है ऐसा सोच रही है ना आप? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माँ, जिस लड़के से पापा मेरी शादी करा रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं है। शादी के बाद इसे पता चलेगा कि मैंने इसके लिए कितना अच्छा रिश्ता तय किया है। ए, कैसा लग रहा हूँ? सुपर लग रहा भाई। तुझसे नहीं पूछा, इससे पूछ रहा हूँ। अच्छा है सर, बाहर निकालोगे तो क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है, अंदर ही रहे। थैंक यू सर। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी लेके जाओ अंदर, अंदर। अरे जल्दी ले जाओ ना। क्या उसके आने की संभावना है सर? क्या है यार, वहाँ देखिए सर। अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जी साहब क्या है यहाँ इतनी सारी अलमारियाँ? अरे ये सब तो बहुत कम है, इससे ज्यादा अंदर पहुँच गई। सर कोई शादी पे आ गया तो वॉल क्लॉक या गणपति पप्पा की मूर्ति देता है, कोई इतनी ज्यादा अलमारियाँ थोड़ी देता है, ये उसी का प्लान है सर। शादी और अलमारी का चक्कर क्या है? ए, हमें ये सारी अलमारियाँ यहाँ से हटाओ और ले जाकर गोडाउन में रखो। उतारने में आधी जान चली गई, अब वापस रखने में पूरी जान निकल जाएगी। ए गाड़ी को, गाड़ी को, क्या है गाड़ी में? खाना बनाने का सामान है बाबू। ठीक है लेके जाओ। ए, 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 रुको रुको रुको,
आप लोग कौन है? खाना बनाने वाले सर। ये क्या है? सबके सब बर्तन सर के ऊपर है, लेकिन ये बर्तन उल्टा क्यों है? ए बाबू, ये बर्तन उठाओ। सर मत हिलाओ, बर्तन उठाओ। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? बर्तन उठाओ। वो मैं जो भी आया है उसे चेक कर रहा हूँ ना। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। ए, तुम लोग अंदर जाओ। लगा 10 साल से किचन संभाल रहा हूँ, मुझसे ज्यादा तुम नहीं जानते होगे। जाओ यहाँ से। जहाँ देखो सुपरवाइजर बन जाते हैं। अरे सभी चले गए, तुम्हें आगे खड़े हो। किचन का रास्ता पता नहीं है क्या? आपको थैंक्स बोलने के लिए रुका हूँ। थैंक्स मत बोलो। इस मंडप में अगर कोई डाउटफुल आदमी मिले ना तो चुपचाप आकर के मुझे बता देना। हाँ हाँ। हाँ, उसका मुंह मैंने नहीं देखा और मेरा मुंह उसने नहीं देखा, तो फिर आके बताएगा कैसे? हाँ। अच्छा सुनो। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? शादी का घर है, कुछ काम करो। नहीं, नहीं वो बात नहीं है, मैं ही शादी रोकने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। शादी रोकने जा रहा है? तुरंत ही बात किसी से बताना पड़ेगा। लगता है अंदर कोई है। अंदर कौन है? बाहर निकलो। सुनिए, yes? किसकी तरफ से? दूल्हे की तरफ से। लेकिन अलमारी से? ए, ले चलो इसे। ए भाई, संभाल के, संभाल के। मैडम, मैडम क्या है? हमको एक बात बतानी है। एक लंबू आदमी आया है शादी रोकने के लिए। कुछ करना होगा मैडम, कुछ करना होगा हमें। अरे सोचिए मत, टाइम नहीं है। ये बाल्टी लेके क्या करेंगी? मैं भी ये शादी रोकने के लिए आई हूँ। सारे इंतजाम ठीक से। ए, कौन है रे तू? वीडियोग्राफर हूँ बॉस। कैमरा किधर है? ए, जरा दूल्हे का वीडियो निकालो। ठीक है सर। ओके ना? सॉरी बॉस, टेंशन में आके जरा बोल दिया। आखिर आप हैं कौन सर? अरे मैं दूल्हे की तरफ से हूँ। चलो अच्छे से वीडियो निकालते हैं। ये पागल सभी बाहर होंगे, बाहर निकलने का अच्छा मौका है ये, लेकिन कैसे निकलूं? ए, वहाँ से कोई आवाज आ रही है। आए? अरे यार, भूत हो सकता है। हाँ, अरे ये कोई भूत नहीं है, हमें कोई उल्लू बना रहा है। ऐसे को मैं अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। अब आएगा मजा। ए, मुझे भी देना। यहाँ क्या कर रहे हो बच्चा लोग? अरे भागो यहाँ से, भागो, जब। कोई आवाज आ रही है, अभी बताता हूँ, रुको एक मिनट, रुक जा। सर, आप किसकी तरफ से हैं? मैं दूल्हे की तरफ से हूँ। ये चक्कर क्या है? दूल्हे की तरफ के सारे लोग अलमारी में आ रहे हैं। ले जाओ ले जाओ, संभाल कर ले जाना। हाँ भाई। ए, वो दीपिका यहाँ कैसे आई रे? पता नहीं भाई। जाओ के पकड़ो से, जाओ। Excuse me, excuse me. ए, चलो, रुको। ए, सब लोग हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। ए, तूने कोई काली साड़ी पहनी लड़की को देखा है क्या? मैं अभी अलमारी से बाहर निकला हूँ, ना काली साड़ी देखी ना सफेद साड़ी। अरे ये तो उपमा है यार। ए, रुक। अरे कहाँ जाऊँ, यहाँ चुप जाता हूँ। अरे आंटी, मुझे ला दीजिए। छे, भाग गया, चकमा दे गया। कहाँ होगा? एक काम करते हैं। मम्मी, बाहर चलते हैं। मेरी प्यारी प्यारी मम्मी। हाँ, मेरी स्वाति यहाँ पर है और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। स्वाति, ये लो रुमाल, अपने आंसू पोंछ लो। रो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे आंसू नहीं बहने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ। स्वाति, मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत। रुक, रुक।
अरे बाप रे। मम्मी मम्मी मम्मी। सर ये शादी ना हो, रोकने के लिए दो जन आए हैं और मुझे मारा भी। कुछ कीजिए ना सर, कैसे भी करके ये शादी करवाइए। कहाँ मारा बताओ? यहाँ पे मारा सर। मैं भी इस शादी को रोकने के लिए आया हूँ, तुम यहीं पर बैठो। यहाँ आराम से बैठो। होगा देखते हैं। चले गए दोनों के दोनों। अरे नारियल के पानी में शक्कर डाल के पियेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वो ठीक है, लेकिन इतनी गोनियों में शक्कर की गोनी कौन सी है कैसे पता चलेगा? रुक जा, अभी पता चलेगा। अरे ये शुगर नहीं है, टोमेटो सॉस है। अबे गधे के बच्चों। ऐसा क्या? तो चल। तुम सबकी माँ को बताकर तुम्हें सिखाऊंगा। ए, शादी रोकने को कहके यहाँ क्यों आई हो? तो फिर तुम क्या कर रहे हो? शादी हो जाने के बाद खाना बंद कर देंगे। कितनी वैरायटीज रखी है, खा के ही करेंगे वरना मिस हो जाएंगी ना। ए, ए, संजू। यही आ रहे हैं। ए, हो रही। सर क्या है बे? आप अंदर बैठे हैं क्या? डाउट है क्या? दरवाजा खोलो सर। अरे नहीं यार, बाहर बोर हो जाता हूँ, लंच टाइम में बाहर आ जाऊंगा। ठीक है सर। ए सर, स्वीट में क्या है? जलेबी है सर। अरे जलेबी क्या रखते हो, हलवा रखो, हलवा बहुत अच्छा बनाते हो। जैसा आप कहें। हलवा मैं अच्छा बनाता हूँ, ये बात इसे कैसे पता चली? ये किधर चला गया? लेके चलो। ले जाओ भाई ले जाओ। इसे लेके कहाँ जा रहे हो? इसमें उसका आने का चांस है, इसलिए बॉस ने सबको गोडाउन में शिफ्ट करने के लिए कहा। अच्छा, ऐसा क्या? अरे अरे तुम लोग पागल हो गए हो, उसमें से चले जाने के बाद क्यों लेके जा रहे हो? माँ जी बहन जी सभी लोग बाहर चलिए, दुल्हन का सेपरेट वीडियो निकालना है। चलो 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 जल्दी बाहर चलो। अरे दुल्हन जी ऐसी क्यों बैठी हैं? जरा सा स्माइल कीजिए, नहीं तो आपके लवर को हर्ट फील होगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी स्माइल दे दी, थोड़ा एक्सप्रेशन कम कर दीजिए। सॉरी यार, लव यू। अब तो आ गया हूँ ना। स्वाति स्वाति स्वाती, तुम्हारी शादी रोकने एक लड़का घूम रहा है, वो नहीं चाहता है कि तुम्हारी शादी हो सके। कहाँ करने जा रही हो? मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। सर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट। जब यहाँ सब लोग शादी रोकने ही आए हैं, तो इनविटेशन देकर हमको बुलाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बकवास कर रहा है? ये शादी नहीं हो सकती। वो देखिए उधर, वो भी यही कह रहे हैं। क्या है पापा? छी, ये फोटो देखने के बाद भी मैं तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा जरा मेरी बात सुनिए। चुप कर, अपने खानदान की कोई इज्जत है? कुछ नहीं है। है भी तो, इसे शादी करूंगा। अपने साथ दो साल रखा था, दो अबॉर्शन करवाया इसका, आप मुझे इससे शादी करने के लिए बोल रहे हैं? वो बात नहीं है बेटा। पापा अपनी इस हाई सोसाइटी में सब कॉमन सी बात है, साथ रहना और शादी करने में अंतर होता है। शादी रुकवाने का कारण ये नहीं कि तुम इसके साथ घूम रहे हो। हाँ। लेकिन ये इसके साथ घूम रही है। क्या
आदि केशव बाबू एक लफ्ज मत बोलो। अंकल उसे कुछ ले दे के सेटल कर दूंगा। निकल जा बाहर, ये शादी नहीं होगी। आखिर ये भी उन्हीं लोगों से मिल गए, इस शादी में बर्बादी हो गई हमने गिफ्ट की। सुनिए जी, स्वाति कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये क्या बोल रही हो तुम? ए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? तेरी लड़की भाग गई इसलिए तू शादी रोकने के लिए बोल रहा है? ए, ए, क्या करना है हमें पता है। समझ गए ना भाई, वो फिर से अलमारी में भाग गए। अरे ये अलमारियों का क्या लफड़ा है, जाकर ढूंढो उसे सभी अलमारियों में। वो अंदर से बाहर कैसे आ गया, जाकर ढूंढो। चलो चलो भाई, आप अंदर कैसे पहुंचे? वो सब छोड़ो, वो तुम लोगों को मिला कि नहीं मिला? आज ये यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। 1 2 3 काउंट करूंगा, सभी जाके मार डालो। 1 2 3 ये क्या, ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से नजदीक आ जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहा हो, जाओ। संजू के होते हुए तुम मुझसे शादी करोगे? देख लिया तुम्हारी क्या हालत हो गई। कम संजू, लेट्स गो। जैसे ही मुझे लड़के के बारे में पता चला कि ये मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैंने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो चली गई। कहीं नहीं गई अंकल। आपसे डर कर या स्वाति से मैं प्यार नहीं करता, ये सोचकर यहां नहीं लाया हूं। स्वाति को कितने दिनों से प्यार करता हूं ये बता सकता हूं, लेकिन कितना प्यार करता हूं ये नहीं बता सकता। बहुत प्यार करता हूं, मुझे 4 महीनों में ही इतना प्यार हो गया कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो इसे 20 साल से पाला है, पोसा है, तो आपको कितना प्यार होगा अंकल? इसलिए मैं इसे यहां लाया हूं। बच्चा पैदा होते ही वो कैसा भी हो, मां बाप अपना सब कुछ छोड़कर उससे प्यार करते हैं, लेकिन वहीं पर एक लड़की को 20 साल होने के बाद आंख नाक कान टॉप टू बॉटम सभी देखने के बाद लड़का प्यार करता है। खूबसूरती के बगैर प्यार किया है ऐसा एक भी लड़का बताइए। इसमें इतने इमोशंस भरे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपके जैसे महान पिता के सामने हमारा ये प्यार जीतेगा या नहीं मुझे नहीं पता अंकल। ये फंसा रहा है, फंसना मत। देखिए अंकल, एक पेड़ से जब आम तोड़ा जाता है तो उस पेड़ को कितना दुख होता होगा, वही दुख आपको भी होता होगा अंकल। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। जब मैं प्रॉब्लम में था तो मेरे डैड ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। तेरा साथ मैं क्यों देता, तू लड़की को भगा के ले गया था। वो मेरा आइडिया नहीं था। भले ही मेरी बेटी को तूने लाकर मुझे सौंप दिया, फिर भी इसकी शादी मैं तुझसे नहीं करवाऊंगा। घर जा, बिना मुंह से एक शब्द निकाले। सर सर, वो तो आपकी लड़की को लेके जा रहा है। ए, कहां जा रहा है? आपने तो बोला घर जाने के लिए, वही जा रहा हूँ। स्टॉप स्टॉप, मेरा घर तो उस तरफ है। तुम्हारा घर नहीं,
अजय इतना बड़ा कमीना है ये पता करके, तुम्हारे बाप को पता करवा के 4-5 डायलॉग मार के मुझे लगा था कि तुम्हारा बाप समझ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, प्लान फेल हो गया ना। अब तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे एक रॉयल पंचायत बिठाई जाएगी, क्या फायदा। एक काम करते हैं, टॉस करते हैं, अगर हेड्स आया ना तो तुम अपनी तरफ चली जाना और टेल्स आया तो तुम मेरी तरफ जम मारना, चलेगा ना। ए, अरे कुछ भी आए तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। सर सर आप उसे ऐसे मत जाने दीजिए वरना वो वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। इस दुनिया में अगर इंसान को इज्जत मिलती है तो या तो डर से या फिर प्यार से। मुझे तो डर से पब्लिक इज्जत देती है क्योंकि मैंने लोगों को सिर्फ डराया है। मैंने अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ डर देखा है। बाप बेटी के रिश्ते में डर से कहीं ज्यादा अहमियत प्यार की होती है। मैं अपनी जिंदगी में आज तक ये बात समझ ही नहीं पाया। बहुत गलत हुआ मुझसे। जिंदगी के इस मुकाम पर आज मुझे समझ आ रहा है कि पालने में और प्यार करने में बहुत अंतर है। आज मुझे समझ में आया कि रिश्तों में असली खुशी का हकदार वो होता है जो कभी कभी हारता भी है। आज मिली है मुझे असली खुशी। सर कैसे भी करके मैं अपनी शादी करके आऊंगा, ऐसा घर पे बता कर निकला हूँ सर। तो क्या, तो आपको सिर्फ एक ही लड़की है कि और कोई लड़की है आपके? क्या हुआ करता था मैं। आजादी। देखो प्रताप, इस साम्राज्य का अब तू ही राजा है। कौन मैं? हाँ तो देखो, खाना बनाने की सामग्री यहाँ है, खाने की प्लेट्स यहाँ पर हैं, और जरा पीछे घूम, इसमें चाय की प्लेट्स रखी हैं। और याद रख, संडे को साहब को मटन बिरयानी, वेडनेसडे को मच्छी का सूप, थर्सडे छोटी मालकिन को चिकन फ्राई, और वो है ना कौन है, घर का दामाद घटोत्कच, उसको इंसान का बटन छोड़ के कुछ भी खिला सकते हो, सब खा जाएगा वो। एक्सक्यूज मी, क्यों बेटा, जब ये घटोत्कच घर में है तो फिर सिर्फ एक को क्या करेगा। ये हो गई ना बात, दोनों जोड़ी सुपर दिख रही है, मिलजुल कर अच्छे से खाना बनाना है, समझे। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। पागल है क्या, तूने इसे कुछ सिखाया कि नहीं? अभी कोई रास्ता नहीं है क्या? पंच हर किसी की किस्मत में नहीं आता, जो अच्छा एक्टर है उसी को मिलता है। चल तू खाना बना, पंच मैं मारूंगा, चलना। लीजिए सर। जी बहुत अच्छा है, जी शुक्रिया। हाँ हाँ इसे रख लेते हैं, ठीक है, बाकी दिल खुश हो गया।